भ्रष्टाचार के आरोपी जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया बिहार सरकार में, श्री मेवालाल चौधरी जी का इस्तीफा हुआ। जब सरकार की भद पिट गई, चारों ओर से किरकिरी हुई, थू थू हुआ, तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल लगातार इस मामले को उठा रहे थे और सरकार से सवाल खड़े कर रहे थे। अब इस इस्तीफे की नाटक से काम नहीं चलेगा, अब जवाब देना होगा बिहार सरकार को, असली गुनाहगार कौन है जिन्होंने भ्रष्टाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया। इस सवाल पर तो सरकार कटघरे में है, तेजस्वी यादव जी चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी तो एक विकेट गिरा है, अभी कप्तान को इस्तीफा देना पड़ेगा। जो असली दोषी हैं जिन्होंने पहले विधायक का टिकट दिया और मंत्री बनाया, इसलिए भ्रष्टाचार पर जिस तरह से कटघरे में है इस डबल इंजन की सरकार, इस पर कोई कंप्रोमाइज तेजस्वी यादव जी नहीं करेंगे और सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। राज्य मंत्री परिषद से मेवालाल चौधरी को हटाया जाना कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के दबाव का नतीजा है। कांग्रेस का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना सोचे समझे वैसे लोगों को भी मंत्री परिषद में शामिल कर लिया जिस पर खुद उनके ही निगरानी विभाग ने आईपीसी के विभिन्न धाराओं में भ्रष्टाचार के मुकदमा दर्ज करा रखा है। और ऊपर से मुख्यमंत्री का दावा किया कि हम क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी बिना सोचे समझे वैसे लोगों को मंत्री परिषद में शामिल किया जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। और आज विपक्ष की एक बड़ी जीत हुई है कि विपक्ष के दबाव के नतीजे का ये परिणाम है कि मंत्रिपरिषद से मेवालाल चौधरी को हटना पड़ा। मेरा मानना है कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियों ने जिस मजबूती से इस बात को उठाया, ये उसी का परिणाम है। आने वाले समय में हम और भी ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कांग्रेस के नज़र में यह सरकार ग्राउंडेड हो गई है, ये टेक ऑफ ही नहीं हो पाई। और जिस तरह से मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ था और मुख्यमंत्री को पैर खींचने पड़े, अपने चहेते भ्रष्ट मंत्री को सरकार से बाहर करना पड़ा, मैं समझता हूँ यह सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जिन्हें इस्तीफा देकर माननीय नीतीश कुमार जी का सुशासन, भ्रष्टाचार, अपराध ऐसे मामलों से कोई समझौता नहीं करने की जो का संस्कार रहा है उसका मानक स्थापित किया। तेजस्वी यादव 420 के सजा याफ्ता के बेटा, 420 के आरोपी दूसरे को नसीहत दे रहे थे, चार सीटेड हैं, 420 के आरोपी हैं। विधानमंडल के नेता से इस्तीफा दीजिएगा कि राजनीति का कुसंस्कार है। पिता भी कैदी नंबर 3351 और बेटा पटियाला कोर्ट में दंडवत 420 का आरोपी और खुद बन रहे हैं बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के नेता। इसलिए अविलंब तेजस्वी यादव को अनुसरण करना चाहिए और इस्तीफा। ये अगर मान लीजिए, तो बार बार कहूँगा कि ये विपक्ष के लोग जो हैं, अगर उन्होंने ऊपर लीजिए थोड़ा, कौन मंत्री बनेंगे ये मुख्यमंत्री जी का प्रायोरिटी होता है। चार पार्टियों का अलायंस है, हर पार्टी ने अलग अलग अपने लोगों का नाम दिया। अब अगर उन्होंने ज्वाइन किया और नैतिकता के आधार पर, दो दिन पहले तक आप लोगों को नैतिकता समझ में नहीं आ रहा था जब आप मंत्री बने। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये तो विपक्षी पार्टी ने है, अगर वो बने तो फिर कह रहे हैं, अगर उन्होंने डिजाइन किया तो कह रहे हैं। तो उनको तो सवाल ही हो रहा है जब उन पर मामला चल रहा था तो फिर उन मंत्री बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। देखिए मामला, ये तो मामला चल रहा था, कोई ऐसा थोड़ी था कि चार सीटेड थे, या मान लीजिए हाईकोर्ट ने उनको कोई सजा सुनाई थी तो फिर आज क्यों इस्तीफा दे। तो वो ना चार सीटेड थे और ना ही हाईकोर्ट ने उनको कोई सजा सुनाई थी, लेकिन तो फिर इस्तीफा क्यों ले गए जी। तो फिर इस्तीफा क्यों, तो ये अगर उन्होंने मोरल ग्राउंड पर दिया तो ये इसका तो आप लोगों को कहना चाहिए। तो चार दिन तक मोरल ग्राउंड क्या चला सर भाई। ओहो, मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियों को किसी भी हालत में चैन नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो मंत्री बने तो आप हो हल्ला मचा रहे थे, अगर उन्होंने मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया तो हो हल्ला मचा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आरोप लगते हैं, लेकिन जब वो चार्जशीटेड नहीं है या मान लीजिए कि हाईकोर्ट ने उनको कोई सजा सुनाई नहीं है तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो कल्प्रिट है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्होंने मोरल ग्राउंड पर दिया है, बीजेपी के दबाव में इस्तीफा,
देखिए एनडीए की सरकार, मैंने पहले कहा कि एनडीए की सरकार जो है क्राइम, करप्शन और फॉर्मलिज्म पर जीरो टॉलरेंस रखती है। ठीक है, जब आदमी राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं तो आरोप भी लगते हैं, लेकिन आरोप लगने से आरोप सिद्ध होना दोनों दो प्रोसेस है। जैसे कि लालू जी पर सजा याफ्ता हैं और वो होटवार जेल में है, लेकिन इनको तो कोई हाईकोर्ट से सजा नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी अगर इन्होंने रिजाइन दिया है तो मुझे लगता है कि इस पर इतना हो अल्लाह के पास। लेकिन पदभार ग्रहण के बाद ही बनी थी कमेटी ने, इन्हें आरोपी ने माना था कि बंगलिंग किए हैं और इनके अनियमितता थी, रामनाथ कोविंद नहीं वो कमेटी बनाई थी। अरे भाई, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आरोप लगा और आरोप लगने के बाद चार्जशीटेड नहीं हुए, आरोप तो कोई किसी पर लगा सकता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन जब तक उसका कोई निर्णय नहीं हो जाता है तभी ना कोई आरोपित सिद्ध होगा। जैसे लालू जी सजा याफ्ता है होटवार जेल में, इसीलिए अगर उन्होंने रिजाइन दिया मुरल ग्राउंड पर तो मुझे क्या लगता क्रेडिट है बीजेपी लेती है भाई। बीजेपी एनडीए, मैंने पहले कहा कि कास्ट, क्राइम, करप्शन सारे मामले में जीरो टॉलरेंस रखती है और किसी भी, चाहे बड़े से बड़े हो, छोटे से छोटे हो, उस पर समझौता नहीं होता। देखिए, मेवालाल चौधरी जी के इस्तीफे से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकते। वो भ्रष्टाचार चाहे अपनों ने किया हो या किसी और ने, लेकिन जो लोग नीतीश कुमार जी के नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो लोग तेजस्वी यादव जी से इस्तीफा मांगेंगे, राहुल गांधी जी से इस्तीफा मांगेंगे? इन लोगों के ऊपर में तो मेवालाल चौधरी जी से भी गंभीर आरोप लगे हैं। इन लोगों के ऊपर में नौकरी के नाम पर सीधे तौर पर जमीन लिखवाने का आरोप है। तो क्या ऐसे लोगों से भी राजद के नेता, कांग्रेस के नेता इस्तीफा मांगेंगे, या फिर युवराज परिवार के लिए लूट खसोट करना की छूट है? इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध करता है कि अगर भ्रष्टाचार को लेकर के उनकी नीति और नियत स्पष्ट है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी से इस्तीफा मांगे। इनके ऊपर में मेवालाल चौधरी जी से भी गंभीर आरोप हैं।